हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो क्या हाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होगे। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ जो जो मैंने एक्सेसरी लगवाई है आप भी लगवा सकते हो, और किस प्राइस पे लगवाई है और कहाँ से लगवाई है, आफ्टर मार्केट लगवाई है या MG की ऑफिशियल एक्सेसरी लगवाई है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा मैं आपको इस वीडियो में। और बाकी एक्सेसरी से ना अपनी आप अपनी MG एस्टर को ना चार चांद लगवा सकते हो, जैसे मैंने चार चांद लगवा दिए हैं इसके अंदर। लुक ना इसकी इनहेंस हो जाती है, लुक में यार चार चांद लग जाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप ये एक्सेसरी लगवा लोगे ना तो आपकी MG एस्टर को ना लोग पलट पलट के देखेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने हर एक एक्सेसरी लगवाई है जो मुझे अच्छी लगी, जो मुझे जेन्यून एक्सेसरी लगी कि हाँ इसकी नीड है, वो वाली एक्सेसरी लगवाई है। वैसे तो एक्सेसरी बहुत सारे पार्ट हैं एक्सेसरी के MG के पास या आप आफ्टर मार्केट, लेकिन मैंने वो वाली एक्सेसरी नहीं लगवाई जो मुझे नीड लगी, जिससे मुझे लगा कि इसकी लुक में इनहेंस हो जाएगा, तो वो वाली एक्सेसरी मैंने लगवाई है। उन सारी एक्सेसरी का आपको मैं प्राइस बताऊंगा, लेकिन सब कुछ स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को राशिद स्टाइलिश ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लो। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, वीडियो ज़रूर देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो वीडियो आप अभी स्टार्ट करते हैं। हम आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने इसके अंदर कौन कौन सी एक्सेसरी लगवाई है और किस प्राइस से लगवाई है। जैसे ये बम्पर कॉर्निंग प्रोटेक्ट लगवाया हुआ है मैंने, या ये लगवाई हुई है, सारी एक्सेसरी मैंने MG के शोरूम से लगवाई है, MG ऑफिशियल लगवाई है, पूरी जेन्युइन एक्सेसरी है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है इसमें और मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं लगी। जैसे हम आफ्टर मार्केट में करवा लेते हैं ना ये क्रोम वगैरह का काम, तो ये कुछ टाइम के बाद उतर जाता है, क्रोम की शाइनिंग भी थोड़ी कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं इसका बम्पर कॉर्निंग प्रोडक्ट जो लगवाया हुआ है ये वाला मैंने। तो ये मैंने लगवाया है 1099 रुपये का, यानी कि 1100 रुपये का। ये चारों पीस हैं, फ्रंट के दो हैं, एक लेफ्ट और राइट, दो पीछे के हैं आप। तो ये चीज़ मैंने 1100 में लगवाई है। इसमें दो आते हैं, एक सिंपल आता है बिना क्रोम के, एक क्रोम वाला आता है। तो मैंने क्रोम वाला लगवाया हुआ है, ये देखो क्रोम की थोड़ी सी पट्टी लगी हुई इसके अंदर, तो ये मैंने क्रोम वाला लगवाया हुआ है। दूसरा इसके अंदर मैंने लगवाया हुआ है फोग लाइट की, जो नीचे वो प्लेट लगी हुई है। बाकी ये क्रोम फोग लैंप फ्रंट में मैंने लगवाया हुआ है, ये देख लो आप सामने से। ये वाला मैंने लगवाया है 1299 रुपये का, यानी कि 1300 का। दो फ्रंट के पीस हैं और पीछे के हैं 1350 रुपये के। ये दोनों का अलग अलग प्राइस है, आप चेक कर लो। दो मैंने आगे लगवाए हैं, दो पीछे लगवाए हैं। ये मेरा 1350 का पीछे लगा हुआ है, ये वाला देखो इधर लगा हुआ है, उस साइड लगा हुआ है, और 1299 रुपये का आगे लगा हुआ है। तो ये चीज़ें मैंने दो लगवाई हैं। इसका सारा टोटल बता दूंगा मैं आपको कि कितने की एक्सेसरी मेरी अभी तक लगी हुई है। तो अभी दो चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको, अभी चलते हैं इसके अंदर, इसको अनलॉक कर लूँ पहले। अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ ये ORBM में भी मैंने ना क्रोम टेल लैंप लगवाया हुआ है। तो ये देख चेक कर लो, ये कंपनी से बिल्कुल ना जो कलर है इसका, मतलब बॉडी कलर है उसमें ORBM आते हैं, लेकिन मैंने इसमें ना ये क्रोम ORBM लगवाए हुए हैं। 899 रुपये के पड़े हैं, 900 रुपये के। देख लो ये दो पीस का सेट होता है, एक उधर एक इधर। ये भी क्रोम में भी आता है और ब्लैक में भी आता है, आप जो मर्जी लगवा सकते हो। उसके बाद फिर मैंने लगवाया, अभी पीछे चलते हैं, अंदर की बात को बताऊंगा मैं आपको, अभी पीछे चलते हैं। पीछे अभी मैंने ये टेल गेट है जो मैंने पीछे इसके लगवाया हुआ, दोनों लाइटों के बीच में लगा हुआ है ये टेल गेट। ये 1499 रुपये का पड़ा है। इससे भी आप लुक देख लो, इसकी लुक में ना इन्हेंस हो जाता है, लुक इंक्रीज़ हो जाती है, लुक में चार चांद लग जाते हैं। पीछे से थोड़ी बल्की बल्की लगती है और अच्छी लगती है। तो ये भी आप कंपनी से लगवा सकते हो। ये 1499 रुपये की ये सिंपल प्लेट है, ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ MG के ऊपर। उसके बाद मैंने लगवाया ये सिल प्लेट, ये देख लो आप, इसके बूट फेस के ऊपर लगवाया। ये मुझे पड़ा है 1659 रुपये का, यानी कि 1660 रुपये का ही लगा लो आप। ये भी मैंने कंपनी से लगवाया हुआ है। और फिर मैंने लगवाया ये मड फ्लैप, ये भी आप चेक कर लो, ये 500 रुपये के चार पीस हैं। ये दो इधर हैं, दो फ्रंट वाले व्हील के पास हैं, ये देख लो आप चेक कर लो। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर लगवाया है, जैसे हम डोर ओपन करते हैं तो एक ये प्लेट लगवाई हुई है मैंने, ये चेक कर लो। रियर एंट्री भी सील प्लेट है, ये 1600 रुपये की पड़ी है मुझे,
चार पीस का सेट है, दो फ्रंट के दो बैक के, पीछे छोटे छोटे हैं और आगे वाले थोड़े बड़े पीस हैं। और ये 70 बैंड मैंने आफ्टर मार्केट लिए हैं, ये मैंने कंपनी से कोई भी मैट नहीं लिया। इंटीरियर में मैंने कुछ भी नहीं लिया इस कंपनी से, कोई भी चीज़ मैंने इंटीरियर में नहीं ली। कप होल्डर जरूर लिए, ये 500 रुपये का सेट पड़ा, 600 रुपये का सेट पड़ा है सॉरी कप होल्डर का, तो ये मुझे नीड लगी तो मैंने ये ले लिया। बाकी ये डोर वाइज़र हैं जो मुझे 2800 रुपये के पड़े हैं, ये देख लो आप, इसमें क्रोम की ये लाइनिंग है थोड़ी और MG का लोगो लगा हुआ है, ये भी ऑफिशियल है, ओरिजिनल है ये। ये भी मैंने बाहर से कुछ नहीं लगवाया, इसके अंदर सब जेन्यून एसेसरी लगवाई है, ये 2800 रुपये की पड़ी है मुझे। तो सारे मैं आपको ना लास्ट में बता दूंगा कि लास्ट में ये कितने का मतलब सेट पड़ा है मुझे, जो भी मैंने एसेसरी लगवाई है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आप भी अपने हिसाब से लगवा सकते हो, मुझे तो इन इन चीज़ों की ज़रूरत लगी। एक मैंने ये हुड ब्रांडिंग क्रोम लगवाए हैं और डिजिट्स हैं, ये मुझे 1375 रुपये के पड़े हैं। आप लुक में फ़र्क देख सकते हो, कितना लुक में फ़र्क आता है, पीछे से बल्की बल्की नज़र आती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लगवाई हुई हैं, तो इन सारी चीज़ों का अभी टोटल बता देता हूँ आपको मैं, कितना टोटल का खर्चा आया मेरे को। मैंने एसेसरी लगवाई है सारी तकरीबन 18000 रुपये की है, 70 मैड विद 70 मैड जो मैंने आफ्टर मार्केट 3500 के लिए थे, आप 3500 माइनस कर देना अगर आपने 70 लेने हैं या 3D लेने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एसेसरी में लगवाई हैं, इससे आप लुक भी चेंज हो चुकी है और गाड़ी को ना लोग यकीन मानो, जब भी मैं गाड़ी को लेके जाता हूँ ना, लोग पलट पलट के देखते हैं गाड़ी को कि कौन सी कंपनी की गाड़ी है, क्योंकि कुछ एसेसरी लग गई और वैसे ही इसकी लुक और डिज़ाइन क्रॉसओवर सा है ना, तो अलग ही है इसका डिज़ाइन और SUV के साथ मैच नहीं होता, तो सामने से एक बार बंदा देखता है यार कि कौन सी कंपनी की गाड़ी है। तो ये सारी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, आप अपने हिसाब से जो जो भी एसेसरी लगवाना चाहते हो लगवा सकते हो। तो मैंने तो इसके अंदर तकरीबन 18000 रुपये की इन्वेस्टमेंट और करी ताकि इसको ये लुक और अच्छी हो जाए, और मैंने आपको सब कुछ बता भी दिया, दिखा भी दिया। एसेसरी में तो काफ़ी चीज़ें आती हैं, ये टेल लैंप की जो पीछे की क्रोम वगैरह भी आती है, सामने हेडलाइट की भी आती है, वो मैंने नहीं लगवाई, ज़्यादा क्रोम भी नहीं मैंने करा, क्रोम भी मैंने 35% लगाया है बस, उससे ज़्यादा क्रोम करा नहीं है। कंपनी के पास तो बहुत सारी चीज़ें थी क्रोम को लेकर, बहुत सारी एसेसरी थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया, बस जो मुझे ज़रूरत लगी मैंने वो लगवा लिया और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, अगर आप MG Aster लेते हो, चाहे लोअर वेरिएंट लो चाहे हाई लो, आपकी मर्ज़ी है, वो तो आप जितनी जेब जिसकी देती है इजाज़त उतना आप लगा सकते हो, लेकिन उसमें ये एसेसरी लगवा लेना। एसेसरी लगी हुई आपको मैंने गाड़ी दिखा दी है कि एसेसरी लगी हुई गाड़ी में लुकिंग में क्या फ़र्क आता है, बिना एसेसरी की आप शोरूम में जाके चेक कर लेना। तो ये चीज़ें आप लगवा लेना, 18 जहाँ इतने पैसे लगाओगे वहाँ 18000 15 ही लगेंगे आपके, 3000 तो मैंने बाहर ही इन्वेस्ट करें 3500, तो आप 15000 बाहर से बजाए आप अंदर ही लगा लेना, जेन्युइन एसेसरी लगवाना। तो मैंने जैसे जेन्युइन एसेसरी लगवाई है, ज़्यादा क्रोम वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो जो मुझे अच्छा लगा। हाँ, ये भी मैंने लगवाए हैं, ये स्क्रैच के लिए लगवाए हैं, ये कंपनी के पास क्रोम के थे तो मैंने ये बाहर से 200-250 रुपये के ले लिए थे, तो ये भी आप लगवा सकते हो, ये भी मैंने बाहर से लेके लगवाए हैं, तो इसको तो मैं एसेसरी में गिनती नहीं है, तो आप अपने हिसाब से जितनी आपकी ज़रूरत है। और ये क्रोम वगैरह ना, ये जो डोर पे लगी हुई है क्रोम वगैरह, ये सारी कंपनी की तरफ से, ये मैंने नहीं लगाई, बस मैंने जो जो एसेसरी लगाई है सब बता दिया, सारा खर्चा बता दिया है। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही यार, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलता हूँ मैं आपसे नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो, बाय।